Good morning, students. I am Anjani from Rhymes. Today, I am going to teach you the 7th chapter of SST of class 2. The name of this chapter is Our Food, हमारा भोजन. तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं. One day, our class teacher come to our class in the recess period with her tiffin. एक दिन हमारी क्लास की टीचर अपने टिफिन के साथ छुट्टी के टाइम में हमारे क्लास में आई. वी वेयर ऑल्सो फीलिंग हंग्री, हमें भी भूख लग रही थी. सी वॉन्ट्स अलॉन्ग विथ अस टू वॉश हर हैंड्स, वह हम लोगों के साथ हाथ धोने के लिए साथ में गई. देन वी स्पेयर्ड आवर टेबल मैट्स एंड टुक आवर फूड, फिर हम लोगों ने अपने टेबल के मैट को फैलाया और अपना खाना खाया. After taking food, all of us washed our hand once again. जब हम सब लोगों ने अपना अपना खाना खा लिया तो खाने के बाद एक बार फिर अपना हाथ धोने गए. Then she talked to us. तब उन्होंने हमसे बातें की. Why do we need food? उन्होंने पूछा, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? Madam, we feel hungry. हम लोगों को भूख लगती है मैडम, इसलिए हमें खाना की आवश्यकता होती है. वन ऑफ अस रिप्लाइड, हम लोगों में से एक ने यही जवाब दिया. एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंस रहे थे. बट मैडम आस्क अगेन, व्हाई डू वी फील हंग्री, लेकिन मैडम ने फिर पूछा, हमें भूख क्यों लगती है. दिस टाइम सी डिड नॉट वेट फॉर द आंसर, इस बार उन्होंने जवाब का इंतजार नहीं किया और वे बोली, सी सेड, वी फील हंग्री बिकॉज आवर बॉडी नीड एनर्जी, हम लोग भूख इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारे शरीर को ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है. यू नो डैट सम फूड्स गिव अस एनर्जी, आप यह जानते हैं कि कुछ भोजन हमें एनर्जी देते हैं. सम फूड बिल्ड आवर बॉडी, कुछ भोजन हमारे शरीर को बनाते हैं. सम फूड्स कीप अस हेल्दी, कुछ खाना हमें स्वस्थ रखता है. यू प्ले अ लॉट, तुम बहुत खेलते हो. यू कीप ऑन रनिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, तुम इधर से उधर दौड़ते रहते हो. योर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी देन माइन और योर पेरेंट्स, तुम्हारे शरीर को मेरी या तुम्हारे माता पिता की तुलना में अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है. दिस इज़ वाई यू फील हंग्री मोर ऑफ्टन देन योर पेरेंट्स और आई फील हंग्री, यही कारण है कि तुम अपनी माता पिता की तुलना में अधिक भूख को महसूस करते हो और हम भी भूख को महसूस करते हैं. यू लव ईटिंग स्वीट्स बिकॉज इट गिव्स यू एनर्जी बट इट डज नॉट लास्ट मच, आपको मीठा खाना पसंद है क्योंकि यह आपको ऊर्जा देता है लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहता है. इट ऑल्सो स्पॉइल योर टीथ, यह तुम्हारे दांतों को भी खराब कर देता है. चपाती, राइस, पोटैटो एंड अदर फूड्स गिव योर एनर्जी, रोटी, चावल, आलू और बाकी भोजन के चीज़ें भी तुम्हें ताकत या ऊर्जा देते हैं. यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट सो यू नीड अ लॉट ऑफ फूड टू बिल्ड योर बॉडी, तुम लोग जो होते हो यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी बड़े होते हैं, उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, इसलिए तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को अधिक भोजन की ज़रूरत होती है और तुम्हारा शरीर बनाने के लिए यह आवश्यक भी है. पल्सेस, राजमा, मीट्स, एग्स, मिल्क एंड पनीर हेल्प योर बिल्डिंग योर बॉडी एंड मसल्स, दाल, राजमा, मीट, अंडा और दूध और पनीर जैसे जो चीज़ें होती हैं यह तुम्हारे शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में तुम्हारी मदद करती हैं. आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू विश टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, मैडम आस्क, तभी मैडम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे यकीन है कि तुम लोगों में से सभी यानी प्रत्येक बच्चा स्वस्थ और खुश रहना चाहता है.
यस मैडम, वी सेड, हम लोगों ने भी कहा, हाँ मैडम, सच में हम लोग ऐसा ही चाहते हैं। गुड, सी सेड, बट फॉर डैट यू नीड टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। बहुत ही अच्छे, मैडम ने यही कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? यू नीड टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, तुम्हें हरी सब्जियां खानी होंगी, फल खाने होंगे और पत्तेदार सब्जियां भी खानी होंगी। यू नीड सम फैट टू, तुम्हें कुछ वसा भी चाहिए। ऑल राइट मैडम, वी सेड, हम लोगों ने कहा, ठीक है मैडम, वी हैप्पी एंड हेल्दी, सी सेड विथ अ स्माइल। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हंसते रहो और स्वस्थ रहो। वाई डू वी ईट, आप लोग भोजन क्यों खाते हैं? वी ईट बिकॉज वी नीड फूड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, हम लोग भोजन इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को मजबूत बनाना होता है। इफ़ वी डू नॉट ईट इनफ फूड वी विल गेट सिक, अगर हम लोग अधिक भोजन नहीं लेंगे तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह इस चैप्टर में आपको भोजन से जुड़ी हुई सारी बातें बताई गई। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट आवर फूड एंड देर आर फ्यू वर्ड मीनिंग्स विच आर रिटन बिलो, प्लीज राइट एंड लर्न देम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर क्लास टीचर। योर नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून।